चलो माना तुम दोनों की लव मैरिज हो रही, लेकिन उसका इजहार करने के लिए स्टेज पे आना जरूरी था। तुम अब फैमिली वैल्यूज को अच्छी तरह से जानते हो। भाई अगर तू ट्रीट देने पर राजी हो ही गया तो ये सब पुरानी बातें करके मेरा मूड तो नहीं खराब करना कम से कम। इसमें मूड खराब करने वाली कौन सी बात है? मैंने कुछ गलत कहा है? बताओ। जासन ने तो कसम खाई है अपनी गलती ना मानने की। चलो अगर हिसार को गुस्सा आ ही गया था तो तुम तो अपना गुस्सा कंट्रोल करते ना। ऊपर से चचा, लो अब तुम भी शुरू हो गई। नहीं बोलो बोलो, और कुछ रहता है तो वो भी बोल दो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इधर तुम लोग मुझे ट्रीट देने आए हो या फिर मेरी डांट टपट का सेशन लगाने आए हो। जलील करने अब ऑर्डर दें कि नहीं? अब तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ये जो एक्स मंगेतर होती है ना, ये घर में पल्ले सांप की तरह होती है, मौका मिलते ही डस लेगी। भाभी की कॉल आ रही है। हेलो हेलो नाया, कहाँ हो तुम? कब तक फ्री हो रही हो? भाभी मुझे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हें पिक कर लूं, वरना अहमद को आना पड़ेगा इतनी दूर। नहीं मुझे तो टाइम लग जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, आरिफ बात कर रहा हूँ। अनाया मेरे साथ है, कुछ इसको बातें समझानी थी तो आप चली जाए, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ओके बाय। अजीब चक्कर है भाई इस लड़की का, मेरी तो समझ से बाहर है। इनकार करने के बावजूद भी आरिफ को अपने पीछे लगा के रखा है अभी तक। एक तो मुझे ये रहमा भाभी की बिल्कुल नहीं समझ में आती, ऐसे लगता है किसी ने जासूस छोड़ा हुआ है हमारे पीछे, साये की तरह हर वक्त पीछा करती रहती है यार। इसीलिए मैंने फोन ले लिया था ताकि उन्हें पता चले कि तुम अपनी मर्जी से भी कहीं आ जा सकती हो, और फौरन से इस तरह घबरा मत जाया कर। चलो भाई कुछ ऑर्डर करते हैं हम। एक्सक्यूज मी,